जजों की नियुक्ति के लिए चुनाव नहीं होते और नहीं हम हर 5 साल में लोगों से वोट मांगने जाते हैं। विविधता से भरे भारतीय समाज में स्थिरता बनी रहे हमारी अदालतों को ये भूमिका निभानी है, ये कहना है भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का। दरअसल 23 अक्टूबर को अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में संवैधानिक कानूनों पर एक तुलनात्मक चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। इस प्रोग्राम में अमेरिका और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हुए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से जजों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम सिस्टम पर सवाल किया गया। इसका जवाब देते हुए चंद्रचूड़ बोले, जजों की नियुक्ति के लिए चुनाव नहीं होते और नहीं हम हर 5 साल में लोगों से वोट मांगने जाते हैं। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी के साथ समाज का विकास हो रहा है, इस दौर में न्यायपालिका का एक स्थिर प्रभाव है। हम उस आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे समय के उतार चढ़ाव से परे रहना चाहिए और विविधता से भरे भारतीय समाज में स्थिरता बनी रहे हमारी अदालतों को ये भूमिका निभानी है। सीजेआई ने आगे कहा कि अदालतों और समाज और सामाजिक बदलाव के लिए जुड़ाव का केंद्र बिंदु बन गई है। लोग अब न केवल परिणामों के लिए बल्कि संवैधानिक बदलाव में आवाज उठाने के लिए भी अदालतों का रुख करते हैं। इसके आगे सीजेआई कहते हैं कि समाज में बदलाव की जरूरत है, लेकिन कई बार कुछ हिस्सों में बदलाव की हवा बड़ी तेजी से चलने लगती है। इस वजह से सामाजिक व्यवस्था में तूफान आने का खतरा पैदा हो जाता है और इस तरह के तूफानों का असर दुनिया भर में देखने को मिलता है। ऐसे वक्त पर समाज को स्थिर रखने के लिए अदालतों की जरूरत पड़ती है और हमारी अदालतें ये काम कर रही हैं। इस कार्यक्रम में सीजेआई चंद्रचूड़ सेम सेक्स मैरिज केस पर भी बोली। सीजेआई का कहना है कि वो समलैंगिक शादी के मामले में पीठ की अल्पमत के फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा, कभी कभी ये अंतरात्मा की आवाज़ और संविधान का वोट होता है और मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ। मैं अल्पमत में था जहाँ मेरा मानना था कि समलैंगिक कपल बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन फिर मेरे 3 साथी इससे असहमत थे। बता दें, जहाँ सीजेआई और जस्टिस एसके कौल समलैंगिक शादी को मान्यता देने के पक्ष में थे, वहीं बेंच के बाकी 3 जजों की राय अलग थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को अपने फैसले में देश में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 जजों के संविधान पीठ ने सर्वमत से फैसले में कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि शादी एक कमेटी बनाई जाए, मतलब सरकार एक कमेटी बनाए ताकि समलैंगिक समुदाय को मिल सकने वाले अधिकारों और फायदों का अध्ययन किया जा सके। अब ये सारी जानकारी मेरे साथी आयुष ने जुटाई थी। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीजेआई के कमेंट पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज ललन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे भाई। इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये। तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी, आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।